हाय फ्रेंड्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद डेप्रिसिएशन। तो एक बार रिवाइज करते हैं, हमने कल क्या क्या डिस्कस किया है। तो कल हमने क्या क्या डिस्कस किया बेसिकली डेप्रिसिएशन में। पहला कंडीशन देखा है कि एसेट का ओनरशिप आपके पास होना चाहिए। तो ओनरशिप में रजिस्टर ओनर तो इंक्लूड है। नया पॉइंट क्या पढ़ा था, बेनिफिशियल ओनर, पार्टनरशिप फर्म का एग्जाम्पल ध्यान में रखना, ठीक है। देन हायर परचेज पे लिया तो भी आपको ओनर माना जाएगा, और को ओनर है तो भी आपको ओनर माना जाएगा। उसके बाद टेनेंट ने अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उसका वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मैंने आपको मेरे बिल्डिंग का पजेशन दिया है, ओनरशिप नॉट ए ट्रांसफर, स्टिल यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन था एसेट यूज होना चाहिए। ना यूज का मतलब क्या है, रेडी फॉर यूज, उसको बोलते हैं पुट टू यूज। सो एक्टिव यूज होगा तो भी चलेगा, पैसिव यूज हुआ तो भी चलेगा, बट इट शुड बी रेडी फॉर यूज। एसी का एग्जाम्पल कल का, एसी अभी भी बक्से में पड़ा है, बोलो कैन यू क्लेम डेप्रिसिएशन, नो। सो पुट टू यूज होना चाहिए। अच्छा, वॉट इज द रिलेवेंट ऑफ पुट टू यूज, फर्स्ट ईयर में पुट टू यूज का रिलेवेंस है क्या है। पुट टू यूज से 31 मार्च, अगर मोर देन 180 है तो फुल क्लेम करना है, लेस देन 180 है तो हाफ क्लेम करना है, ठीक है। एंड परचेस इस साल किया है, पुट्टी यूज अगले साल हो रहा है, पुट्टी यूज अगले साल हो रहा है, तो 180 का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। वो कम हो या ज्यादा हो, आपको अगले साल पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। देन और हमने क्या पढ़ा था, यूज फॉर बिजनेस प्रोफेशन होना चाहिए, ऑब्वियसली वो तो बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। देन और एक कंडीशन था कि डेप्रिसिएशन अवेलेबल ऑन टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल। टेंजिबल में लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना है, सही रीजन आपको मैंने बता दिया है, गलत रीजन को भूल जाना है, ठीक है। क्या है सही रीजन, यस, वी कैन नॉट एसर्टेन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ लैंड, दैट्स व्हाई, ठीक है। एंड इनटेंजिबल में भी कौन सा एसेट का नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन, जो सेल्फ जनरेटेड है, ठीक है, या तो क्लियर है। फिर हमने देखा था डेप्रिसिएशन के दो मेथड है, एक SLM एंड एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कल का डिस्कशन अपना SLM पे था, तो SLM सब फॉलो कर सकते हैं या ओनली पावर जनरेशन अंडरटेकिंग, करेक्ट, उनके पास ऑप्शन है। बट उसमें से भी अगर इनटेंजिबल एसेट्स है तो उनके लिए WDV मैंडेटरी है, मतलब उनके पास दोनों ऑप्शन है, SLM भी और WDV। ये उनको सिलेक्ट कब करना है, जिस साल उन्होंने एसेट परचेस किया, जिस साल वो पावर जनरेशन स्टार्ट करेंगे उस एसेट से, उस साल का रिटर्न फाइल करने से पहले गवर्नमेंट को बताना है कहीं हम इस एसेट पे SLM क्लेम कर रहे हैं या WDV। ये अगले साल चेंज हो सकता है क्या, नहीं। सो ऐसा हो सकता है क्या, पार्शियली WDV पार्शियली SLM, यस दैट इज पॉसिबल, बट बाद में चेंज नहीं कर सकते। जिस साल एसेट लिया है उस साल ही गवर्नमेंट को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, लेस देन 180 है तो इस साल आधा, अगले साल लेस देन 180 तो इस साल आधा ही मिलेगा, है ना, वो आपको बताया 180 का रूल। और हमने क्या पढ़ा था, अच्छा इसमें अगर लॉस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। फायदा होता है तो, एंड एक बार पूरा डेप्रिसिएशन रिकवर हो गया तो उसके ऊपर जो मिलेगा वो कैपिटल गेन, जो अपने कल न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। एंड कल अपने 0.5 पढ़ा था, क्या था, अगर एसेट उसी साल बेच दिया अपन ने, फर्स्ट ईयर ही जिस साल खरीदा उस साल बेच दिया, तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, कैपिटल गेन। उस केस में TDBC नहीं आएगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। एंड फिर अपन एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला, ठीक है, नहीं नहीं और एक किया था ना अपन ने, दो किए थे, यस। सो एनी डाउट इन दिस, सब कुछ समझ में आ गया, चलो आगे जाते हैं। नाउ अभी मैंने एक सेक्शन 50A इंसर्ट किया, वो कैपिटल गेन का है, कैपिटल गेन ऑन SLM, क्योंकि PGBP में सेक्शन 20-44 ही है, ये कैपिटल गेन का एक सेक्शन मैंने यहाँ पे लिया है। उसका रीजन है, समझ लो क्या है, है ना, देखो क्या है, ओके नाउ पहले आपको बताता हूँ कि कैपिटल गेन आता कैसे, क्योंकि अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है। कैपिटल गेन का फॉर्मूला है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सिंपल फॉर्मूला है।
कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है? ओके, नाउ देखो अभी प्रॉब्लम, एक मैं जो सेक्शन 50 ये पढ़ा रहा हूँ इसका मैं आपको पहले लॉजिक बता रहा हूँ कि क्या गड़बड़ हो रही है. देखो ये पीजीपी का एग्जांपल बताता हूँ. मैंने एसेट लिया था 10 लाख में, उसका डेप्रिसिएशन है 4 लाख, तो उसका WDV आ रहा है 6 लाख एंड इसका सेलिंग प्राइस है, मैंने इसको बाद में बेच दिया 3 लाख में. सो 3 लाख हो गया बिजनेस लॉस, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन. टर्मिनल डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट होगा, क्यों नहीं होगा? अंडर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, मैंने बिजनेस लॉस लिखा है, मतलब पीएनएल डेबिट में आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ अभी बताओ, इस साल आपने टोटल इस एसेट का मतलब कितना लॉस अभी तक अपन ने बुक किया, इस एसेट का अभी तक कितना बुक किया है? डेप्रिसिएशन 4 लाख और बिजनेस लॉस 3 लाख, तो 7 लाख तक अपन ने उसको इनकम में से एडजस्ट किया है टिल डेट, एम आई राइट? इस साल 3 लाख बुक किया है ना, अभी तक 4 लाख का डेप्रिसिएशन है, मतलब इनकम में से कितना टोटल माइनस हुआ है? 7 लाख माइनस हुआ है कि नहीं हुआ? अरे ये समझा कि नहीं मैं जो पूछ रहा हूँ, तो अभी आगे का पॉइंट समझ में आया, कन्फर्म? ओके, नाउ कैपिटल गेन में क्या होगा? देखो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कैपिटल गेन? सेलिंग प्राइस कितना है बताओ? 3 लाख लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 10. तो यहां पे कैपिटल लॉस कितना हो रहा है? सो नाउ कैन आई से 7 लाख दो बार डिडक्ट हो रहा है प्रॉफिट में से, एक बार पीजीपीपी में भी 7 लाख माइनस हो रहा है, दूसरा ये 7 लाख हम सेट ऑफ करेंगे कहाँ पे? कैपिटल गेन में. ये पीजीपी में नहीं आएगा, पर आगे एक चैप्टर पढ़ना है अपने को सेट ऑफ, तो कैपिटल गेन का लॉस अपन यहाँ पे सेट ऑफ बाद में कर सकते हैं. सो कैन आई से दैट दिस 7 लाख इज, ये लॉस दो बार रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे दो बार बताऊँ? एक बार पीजीपीपी में रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे? 4 लाख का अपन ने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है प्लस 3 लाख का इस साल का लॉस है बेचने के बाद, तो ये 7 लाख हो रहा है. और कैपिटल गेन में भी कितना हो रहा है? 7. एसेट लिया 10 लाख में, 7 और 7 14 लाख का लॉस बुक हो रहा है. 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में 14 लाख लॉस हो सकता है क्या? एटमोस्ट 10 हो सकता है, 14 कैसे होगा? समझ में आ रहा है क्या? तो ये टेक्निकल गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए 50 लाया गया. कैसे करना है बताता हूँ, ठीक है? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? Here, 7 lakh is claim 2 times. Here, 7 lakh is claim 2 times. कहाँ पे? PGBP में कैसे? 4 lakh plus 3 lakh. And capital gain में 7 lakh. बराबर है, इसलिए टू कैलकुलेट कैपिटल गेन उसका कॉस्ट अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा. उसको कॉस्ट क्या करना पड़ेगा? अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा. वो एडजस्ट कैसे करना है वो 50 में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? सो देखो, हेंस सेक्शन 50A. तो देखो अभी 50 में क्या होगा, ठीक है? अच्छा ये आपको समझ में आ गया. अभी देखो, अभी मैं आपको दिखा दूँ क्या दिया है. देखो ये मैंने आपको 50 में फॉर्मूला दिया है. क्या फॉर्मूला? देखो, यू नीड टू एडजस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये मैंने कहा. क्या करना है अपने को? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या करना है? एडजस्ट करना है. कैसे एडजस्ट करना है? देखो क्या फॉर्मूला दिया है. अगर बैलेंसिंग चार्ज है तो WDV में एडजस्ट करना है. क्या है? एडजस्ट. एंड अगर टर्मिनल डेप्रिसिएशन है तो WDV में से क्या करना है? माइनस करना है. WDV से क्या करना है? माइनस करना है. मतलब देखो क्या बताता हूं मैं आपको. सो 50 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या करना है बताऊं? फॉर्मूला सबके पास है. देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन है, बैलेंसिंग चार्ज है. अरे इस क्वेश्चन में क्या है? 3 लाख का है ना, तो बोलो टर्मिनल डेप्रिसिएशन के बारे में क्या लिखा है? WDV में से क्या करना है? माइनस. सो WDV कितना था बताऊं?
कितना है WDV 6 lakhs. सो WDV माइनस टर्मिनल डेप्रिसिएशन, सो 6 lakh माइनस 3 lakh. सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कितना हो गया, 3 lakh हो गया, कंफर्म. ओके नाउ कैपिटल गेन कितना होगा, देखो क्या था सेल प्राइस कैपिटल गेन में, देखो ऊपर दिया मैंने 3 lakh दिया था सेलिंग प्राइस. नाउ एडजस्टेड कॉस्ट भी कितना हो गया, 3 lakh. कितना हो गया कैपिटल गेन, 0. तो बराबर लॉस एक हेड में क्लेम हुआ कि नहीं हुआ. हाँ, तो ये जो अगला एडजस्टमेंट करना है उसका लॉजिक मैंने बताया है. कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है कि जब भी SLM को एसेट बेचेंगे कैपिटल गेन ऐसे निकालना है. आप बोलेंगे सर ने पढ़ाया है कि टर्मिनल डेप्रिसिएशन है तो WDV में से माइनस करो, बैलेंसिंग चार्ज है तो ऐड करो, एंड देन फाइंड आउट कैपिटल गेन, मार्क्स मिल गए. लॉजिक समझा क्या? तो अगर ये एडजस्ट नहीं किया तो क्या होगा बताओ, ये होगा. क्या होगा, ये होगा मतलब, हाँ, वो जो कॉस्ट अपने 10 lakh क्लेम किया तो 7 lakh दो जगह पे क्या होगा, क्लेम होगा. तो इस 10 lakh को एडजस्ट किया जाएगा. किसको एडजस्ट, सी कैन यू एडजस्ट सेल प्राइस, नो, वो तो एक्चुअल पैसा मिला है उसको, ना तो मैं एडजस्ट कर सकते हैं ना आप, बट कैन वी एडजस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यस. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सा लेना है, WDV माइनस टर्मिनल डेप्रिसिएशन, WDV माइनस, तो वो कितना आ रहा है, 3 lakh. एंड नाउ इफ आई रिकम्प्यूट कैपिटल गेन, बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब एक ही एड में आप लॉस बुक कर रहे हो, कौन सा, PGBP, एंड जो 7 lakh है, नाउ इट्स अलाउड, देयर इज नो प्रॉब्लम, डबल डिडक्शन नहीं मिल रहा है आपको. बस ये जो फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये इसका लॉजिक था, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं. मार्क्स तो मिलने वाले हैं इसमें, कुछ कैलकुलेशन वाइज कुछ मार्क्स नहीं जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो ये लिख के रखो कि ये ऐसा फॉर्मूला कहाँ से बना, इसका लॉजिक मैंने पहले बता दिया. हाँ, हर बार ऐसे होगा, करेक्ट, नहीं तो गलत हो रहा है कि नहीं, समझ में आएगा तुमको, हर बार ऐसा होगा. नहीं, वो बताऊंगा ना अभी, इसमें तीन मैं बताऊंगा, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स. तो मैं आगे क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, हैव यू अंडरस्टूड लॉजिक, क्या मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए पढ़ना है, समझ में आपको, गुड, बोलिए, वेलकम. हाँ, क्योंकि जब भी आप एसेट बेचते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स भी होता है, एंड अंडर चार्जिंग एंड ओवर चार्जिंग, इसलिए आप P&L में डेबिट कर रहे हो. कल याद है ना अपन ने क्या था क्वेश्चन, कैपिटल गेन आता है कि नहीं, कब आता है कैपिटल गेन, हाँ, तो कम होगा तो लॉस भी होगा ना. जो P&L में आ रहा है वो कैपिटल गेन नहीं है, वो क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, एंड जो उसके ऊपर मिल रहा है वो कैपिटल गेन, इसलिए दो जगह पे बुक होता है वो. तो ये जो पहला वाला ये P&L अकाउंट का है, एंड दूसरा वाला बैलेंस शीट वाला है, एसेट में क्या क्या होगा. यस, क्लियर या टोटली क्लियर? हाँ, बिजनेस लॉस, जिसको बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन. यहाँ तक लिख के हो गया, हुआ कि नहीं, हो गया ना, हम साथ साथ हैं ना, लिख रहे हैं, ओके, हो गया कि नहीं, अभी करो ऊपर, ओके. चलो अभी लॉजिक समझ में आ, तो मेरे को पढ़ाने को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, आप खुद ही खत्म कर दोगे क्वेश्चन को, मतलब सॉल्व करके.
हो गया। जरा उसको प्रेस करके देखना, उसको पिन को क्यों नहीं हो रहा, एक्चुअली होना चाहिए। वो पिन है ना, उसको प्रेस करना अंदर से। हाँ रेड वाला भी, ओके चलो लिख लो। हाँ ठीक है लिख लो ना, फॉन्ट तो ब्लैक ही है ना। हो गया, जल्दी लिखो। इसका थोड़ा स्पीड कम करेंगे क्या, 23 पे कर दो उसको, आवाज बहुत आ रहा है उसका। हाँ डन, ओके नाउ देखो न्यूमेरिकल सॉल्व कर, सबको लिख के हो गया क्या, ओके अभी आइए पहला क्वेश्चन देखो। सो अब ये तो समझ में आ गया कि SLM का अगर कैपिटल गेन निकालना है तो क्या करना है बोलो। अगर जो एसेट आपने बेचा उसमें फायदा हुआ है तो WDV में क्या करना है, ऐड, एंड नुकसान हुआ है तो, नुकसान हो तो क्या करना है, माइनस। देखो अभी चलो ना, जो ऊपर का अपन ने एग्जाम्पल सॉल्व किया था ना, पहला वाला जो अपन ने कल किया था, देखो कौन सा था, ये वाला एग्जाम्पल है ना, ये वाला कौन सा, ये क्वेश्चन कौन सा, देखो सेकंड, इसमें WDV कितना बताओ तीनों केस में। हाँ सो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी एडजस्टेड कॉस्ट फॉर कैपिटल गेन, बोलो। पहले केस में टर्मिनल डिप्रिसिएशन आ रहा है ना, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 2 लाख, परफेक्ट बोलो। दूसरे केस में बैलेंसिंग चार्ज आ रहा है, क्या करना है WDV में, कितना आएगा, 8 लाख। एंड थर्ड केस में भी कितना होगा बैलेंसिंग चार्ज, 450 प्लस 550 कितना होगा, 550 प्लस 450 10 लाख। हाँ ध्यान दो प्लीज, या तक हो गया। नाउ सेल कंसिडरेशन निकालते अपन, देखो कैपिटल गेन निकालते, देखो ध्यान दो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। केस वन में आपने 3,30,000 P&L में डेबिट किया है बाय वे ऑफ टर्मिनल डेप्रिसिएशन, डू यू एग्री। हाँ अभी देखो एडजस्टेड कॉस्ट कितना हो गया, एंड ऊपर देखो सेल प्राइस कितना है, कितना होगा कैपिटल गेन बराबर 0 हो गया कि नहीं। दूसरे केस में देखो कितना है सेल कंसिडरेशन, 8,30,000, एडजस्टेड कॉस्ट कितना है, कितना हो गया कैपिटल गेन 0। तीसरे केस में देखो अभी बहुत बड़ा लॉजिक बता रहा हूँ, कितना है सेल कंसिडरेशन, 11,50,000, उसमें से कॉस्ट कितना माइनस हो गया, कितना आ रहा है कैपिटल गेन, रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, 145 वो ऐसे आया है। समझा कि नहीं आपको क्या किया मैंने, बस ये अपने को करना है। चलो अभी आप कंप्लीट कर दो, आप लिख दो यहाँ पे आंसर, ये जो ओरली बताया उसका न्यूमेरिकल है, आंसर लिख दो वहाँ पे। आपको समझ में आया कि नहीं दोस्तों, कंफर्म समझ में आ गया क्या किया अपन ने, ठीक है। नहीं देखो आपको डाउट है और एक बार बताता हूँ, तो क्या करना है फाइनली बोलो, कैपिटल गेन निकालते समय SLM एसेट का, सेल कंसिडरेशन तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, कॉस्ट कौन सा लेना है एडजस्टेड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडजस्टेड, WDV प्लस बैलेंसिंग चार्ज, एंड अदरवाइज नुकसान हुआ है तो, सिंपल। चलो अभी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है पूरा, अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब पहले टर्मिनल डिप्रेशन बैलेंसिंग चार्ज भी निकालो और कैपिटल गेन भी निकालो, पूरा करना है। देखो अ पावर जनरेटिंग यूनिट परचेस मशीन ऑफ 10 लाख ऑन 1 जनवरी 2019 ऑन विच डेप्रिसिएशन, अच्छा ये 18 चाहिए है ना, ये 18 करो, ठीक है। ऑन विच डेप्रिसिएशन रेट इज 7.84% ऑन SLM, द मशीनरी सोल्ड ऑन 31st December 2018 फॉर केस 1 5 लाख, केस 2 9,60,000, केस 3 9,80,000, केस 4 12 लाख। अभी देखो परचेस कब हुआ है, 1 जनवरी 2018, तो वो साल खत्म कब होगा, 31st March 2018। डोंट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, मैंने ऑलरेडी दिया है, उस साल का डेप्रिसिएशन कितना है,
39,200 कैसे आया बताता हूँ. कैलसे का सबके पास, हाँ कितने का मशीन था, 10 लाख, करो 10 लाख टाइप. व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन, करो 7.84%. बट पुट यूज लेस देन 180 है, डिवाइड बाय 2 करो, समझा 3200 कैसे आया. 180 का कंडीशन भूलना नहीं कहीं पे भी, बाय डिफॉल्ट अभी सब जगह पे आपको अप्लाई करना है. जो मैं पढ़ा रहा हूँ डेप्रिसिएशन, आपको बिल्ट करते जाना है, किसी को छोड़ना नहीं, सबको साथ में लेके जाना है. तो 39,200 आ गया. तो बोलो एज ऑन 18 करो, एज ऑन 31 मार्च 18 कितना है WDV, 9,60,800. एंड इस साल वो बेच दिया दिसंबर में, दिसंबर में 9 मंथ्स के बाद बेच दिया है. ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन सर, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा क्या, नहीं आएगा. मैंने आपको कहा था जो एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर है उन्हीं का डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, तो ये जो 9 मंथ्स यूज हुआ है उसका डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना है. यहाँ तक क्लियर है क्या? चलो अब एक एक करके सॉल्व करते, बताओ पहले केस में लिखो सेल कंस्ट्रक्शन कितना है, 5 लाख, WDV कितना है, 9,60,800. बोलो प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस कितना है, 4,60,800. इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन. नाउ टर्मिनल डेप्रिसिएशन है, कैन यू टेल मी एडजस्टेड कॉस्ट. टर्मिनल डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करते हैं. कितना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 5 लाख. कितना लिखो बोलो, WDV कितना है, सो 9,60,800 माइनस 4,60,800 इज इक्वल टू, नाउ सेल कंसेशन 5 लाख, कॉस्ट 5 लाख, कितना होगा कैपिटल गेन, 0. 0 क्यों हुआ, एक लॉस दो जगह पे आप क्लेम नहीं कर सकते. लॉजिक समझ में आ रहा है, सो कैन यू डू इट फॉर केस 2, 3, 4. चलो आपको समझ में आ रहा है, मैं सॉल्व करूँ, कर सकते हैं आप. चलो दूसरे केस में कितने में सेल हुआ है, 9,60,800. कितना है WDV, 800. तो प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है, 0. परफेक्ट. सो ना तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन ना बैलेंसिंग चार्ज है, तो WDV क्या होगा, एडजस्टेड कॉस्ट भी क्या होगा, व्हाट इज एडजस्टेड कॉस्ट, WDV प्लस माइनस, प्लस माइनस दोनों 0 है, तो जो WDV वही क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा. तो कितना लिखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 9,60,800. तो ना तो इसमें कैपिटल गेन होगा, ना इसमें बिजनेस लॉस होगा, बिजनेस फायदा होगा, कुछ भी नहीं होगा. आपको ये समझा कि नहीं, सेकंड केस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, कंफर्म, ओके. नेक्स्ट केस, थर्ड केस देखो क्या है, 9,80,000 में सेल हुआ है, WDV 960,800. कितना रहा डिफरेंस, प्रॉफिट है या लॉस है, बैलेंसिंग चार्ज. ना बैलेंसिंग चार्ज है तो WDV में ऐड करना है या माइनस करना है, ऐड, तो ऐड करो 9 लाख, एंड सेल प्राइस कितना है, एंड एक्विजिशन कॉस्ट भी कितना है, 9,80,000. कितना आएगा, 0. कितना आएगा, 0. बारह लाख माइनस 9,60,800 कितना रहा है, 2 लाख. अच्छा अब इसमें दोनों आएगा, इसमें बैलेंसिंग चार्ज कितना है बताओ, पूरा है या 39,200 ही बैलेंसिंग चार्ज है, जितना डेप्रिसिएशन चार्ज के उतना बैलेंसिंग चार्ज, तो इसमें बैलेंसिंग चार्ज कितना है, 39,200.
बोलो एडजस्टेड कॉस्ट कितना होगा? डब्ल्यूडीबी प्लस बैलेंसिंग चार्ज कितना आएगा? 10 लाख। एंड दोस्तों क्रॉस चेक करो अभी, एग्जैक्टली 2 लाख आ रहा है क्या? कैपिटल गेन आ रहा है कि नहीं? 2 लाख बराबर। तो ये कंबाइंड क्वेश्चन था, मतलब उसमें अपन ने सब किया एक साथ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो ये कैपिटल गेन का 50 मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि एक साथ ही पढ़ाना पड़ता है। वहां पे पढ़ाएंगे तो बहुत दूर होता है, समझता नहीं, फिर लिंकिंग नहीं होता है। तो लॉजिक समझा कि ऐसे क्यों करना है? चलो सो फाइनल 2 क्वेश्चंस बोलो। एसएलएम का अगर कैपिटल लॉस गेन निकालना है तो क्या करना है? टर्मिनल डेप्रिसिएशन है तो माइनस, एंड बैलेंसिंग चार्ज है तो ऐसा क्यों करना है? एक लॉस दो हेड में क्लेम हो रहा है, ये ना होने के लिए, सिंपल एज दैट। इज दिस क्लियर? ओके दैट्स इट। सो एसएलएम मेथड इज ओवर। थैंक यू।